वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जहां तक रास्ता दिख रहा है पहले वहां तक चलिए, वहां पहुंचने के बाद उसके आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी तरह से अगर आप भी रास्ते के इंतजार में हो कि अगर हमें किसी रास्ते पर बढ़ना है, अब जब हम यहां से देखेंगे हमें पूरा रास्ता दिखेगा जहां तक हमें जाना है तभी हम चलेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको कोई भी दूरी तय करना है तो पहले आप निकलो तो ना भाई। जब आप थोड़ी दूरी तय करेंगे तो उसके आगे का रास्ता खुद ब खुद आपको दिखने लगेगा। सेम उसी तरह से जैसे अगर आप आसमान में देखते हैं दूर, आपको लगता है कि पेड़ में बादल टच है, लेकिन जब उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो आपको लगता है अरे बादल तो बहुत ऊपर है। कुछ लोग ऐसे इसके बारे में सोचते हैं कि ये बताइए, जब हम शुरू करेंगे क्लास को, स्पेशल क्लास या जनरल क्लास, तो आप हमें कहाँ से क्या पढ़ाएंगे, वहां तक पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसको पढ़ लेंगे तो फिर कैसे आगे करेंगे। अरे भाई पहले शुरू तो करो ना, एक आध स्टेप तो चलो। देखिए, आज की इस कक्षा 7 की गणित में हम लोग देखेंगे अभ्यास 1 का बी। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप खोल लीजिए जल्दी से अभ्यास 1 का बी, बीज गणित यानी कि एडवांस मैथ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गुणा यानी कि चर और अचर का गुणा। तो पहला सवाल का जवाब आप लोग फटाफट कमेंट करें, 1 में कौन सा सही होगा। अगर ये सही है, ये कोई भी एक सही है तो आप लिखिए 1A, ठीक है। देखिए लेकिन 1 का ही तो सभी है ना, ये तो ये फर्स्ट और सेकंड पढ़ा हुआ है ना, तो आप ए बी सी डी कुछ भी लिख दीजिए, आप लोग समझ जाएंगे हम, ठीक है ना। 1A 1B 1C इस तरह का आप कमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5x + 15। है कोई, बिल्कुल कोई इसमें ऑप्शन है ही नहीं, 5x + 15 ये हो सकता पहला। आप देखिए हो गया ना पहला, क्यों 5 का x में गुणा होगा, 5x 5 का 3 में होगा तो 15। दूसरा देखिए, लेकिन उसके पहले इसको समझना भी तो जरूरी है ना, 5x + 15 आया कैसे आया इसको भी तो आपको बताना जरूरी है। देखिए करते कैसे हैं, पहले गुणा करेंगे 5 का x में, तो 5 का x में गुणा करेंगे, आप इसको जानते हैं कि 5 का जब x में गुणा करते हैं तो ये 5x हो जाता है, धन 5 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 15। अगर आप चाहें तो इसमें कॉमन ले सकते हैं तो फिर वही आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। क्लियर। अगला सवाल की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग पा रहे होंगे कि इसका जवाब दे दिए होंगे, तो फिर हम चलते हैं। जिन लोगों ने इसको नोट नहीं किया वो कृपया वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इसको देखिए अगला, x·x − 5 इसका गुणनफल क्या होगा, कैसे जानेंगे। देखिए पहले तो हम इसको लिखेंगे x·x − 5, यही है ना, अंदर में गुणा कर लो ना भाई, x का x में फिर x का 5 में। क्यों, सेम उसी तरह जैसे अगर आपके दो भाई बहन है या दो लड़के बच्चे हैं तो आप कोई भी चीज लाएंगे तो दोनों के लिए लाएंगे, भेदभाव तो नहीं करते ना, तो बस वैसे ही यहां भी कोई भेदभाव नहीं करना है, दोनों के साथ एक समान व्यवहार करना है। 5 का गुणा x में तो सॉरी x का गुणा x में तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर कैसे हो जाता है, ऐसे x का गुणा x में इक्वल होता है x की घात 2 का, ऐसे 1 - 1, क्योंकि यहाँ एक घात होती है, यहाँ एक घात, गुणा करने में घात जुड़ जाती है और ये 1 1 2 यानी कि x की घात हो जाता है। तो समझ गए, बीच में माइनस था तो ये माइनस लगा दिया, x का गुणा 5 में करेंगे तो आप जानते हैं ये x का 5 में होता है तो ये हो जाता है 5x। क्लियर, एकदम क्लियर है ना, तो बिल्कुल क्लियर है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझने की कोशिश करें, चाहे तो इसको लिखें या छापें या ना छापें कोई मतलब नहीं है, अगर आप समझ लेंगे तो इसको बिल्कुल कर ले जाएंगे। और हाँ, अब हम आपको अभ्यास प्रश्न जरूर देंगे लास्ट में, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगला देखिए, 2xy इसका गुणा करना है x − 3y में, कैसे करेंगे, बहुत अजीब सा है ना ये। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे हो जाएगा, इसका सारा डिटेल इधर देखिएगा, इधर हम इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं उसी तरह से, सेम टू सेम जैसे होता है। ये देखिए कैसे होगा, देखिए इसको चीर फाड़ के अलग अलग करके देखिए कैसे होता है। पहले इस पूरे पद का गुणा अंदर में करेंगे तो ये होता है 2xy, इसका गुणा करेंगे x² में। क्लियर हो गया, समझ में आई बात, इतना माइनस था बीच में माइनस लगाया, अब दूसरे बॉर्डर पे चलेंगे तो ये 2xy इनका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये 3y हो गए। अब गुणा करके जिससे जो निपटना है निपट लो भाई, मैंने आपको कल इस तरह का गुणा बता दिया था है ना। तो इसमें देखिए इसके कोई रिलेटिव हैं, x हैं, इनकी घात 1 इनकी 2 और 2 का कोई इधर साथी है इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये 2 ही रहेगा,
यक्स की घात एक और दो ये हो जाएगा तीन, और ये वाई यहाँ पे कोई वाई नहीं है इसलिए वैसे हो जाएगा माइनस। देखिए दो का कोई साथी है उधर, साथी मतलब अचर पद यानी गिनती का कोई पद है, हाँ तीन है तो दो का तीन में गुणा होगा छह हो जाएगा। एक्स का देखिए इधर कोई संगी संगनी है इधर नहीं है, कोई नहीं है तो ये एक्स अकेले ऐसे ही रहेगा। देखिए वाई का कोई संगी संगनी है इधर साइड में, है वाई है ना एक, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका इससे कांटेक्ट होगा तो इसकी पावर वन ये हो कितना हो जाएगा, ये टू पावर हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये इतना बन जाएगा टू एक्स पावर थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर। अंडरस्टैंड, बात समझ में आई? तो हम लोग चलते हैं अगले कुछ सवालों की तरफ, ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आने की पूरी जिम्मेदारी होगी, और लाइक नहीं किया तो ये गलती ना करिएगा, तुरंत लाइक कर दीजिएगा। कक्षा सात एनसीईआरटी गणित का आप खोल लीजिए जल्दी से अभ्यास नंबर वन का बी, वन का बी का सवाल नंबर चौथा आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल आपके सेम टू सेम किताब से। गुणा कीजिए या गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब एक है हुआ फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर आपके किसी भी तरह से लिखा हो, मतलब आप समझिएगा, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में ही बोलेंगे। तो देखिए ए प्लस बी एंड एक्स का मल्टीपल करना है, तो जो टोटल इसका आंसर आएगा यानी कि जो इसका टोटल जो कुछ करने पे मिलेगा वही इसका उत्तर होगा। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, ए धन बी का एक्स में गुणा करना है तो ए धन बी गुणा का चिन्ह लगा के इसको बाहर कर देंगे, बस वैसे कर लेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। देखिए एक्स का ए में गुणा करेंगे तो यक्स का ए में कोई रिलेशन नहीं है, इनकी दोनों की 36 का आंकड़ा है, जैसे मैंने कल आपको बताया था दूध और पानी, दूध पानी क्या होते हैं, उनका बहुत पुराना प्रेम होता है, आपस में मिल जाते हैं, मालूम नहीं चलता है कि कौन मिला है किसने, ठीक ना, वो सुना ना आपने, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दर्द दिलों के कम हो जाते है ना। देखिए मतलब समझिएगा, x और a का यहाँ पे गुणा होगा तो एक में मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये अलग अलग है, सेम टू सेम, उसी तरह से जैसे आग और पानी का कभी मेल नहीं होता, या फिर पानी और तेल का, तो ये दोनों अलग अलग ही दिखेंगे, मतलब a अलग रहेगा x अलग रहेगा, ना इनकी घात इसमें जुड़ेगी ना इनकी इसमें जुड़ेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा इसको, अगर यही x का गुणा x में होता तो ये बिल्कुल दूध और पानी वाली कहानी होती, ये दोनों एक में मिल जाते, मालूम ना चलता कि कौन किस में है, बस केवल क्वांटिटी बढ़ जाती, जैसे अगर एक लीटर दूध में एक लीटर पानी मिला देंगे तो क्या होगा, ये नहीं मालूम चलेगा उसमें कि कौन किस में मिला है, दूध में पानी मिलाया गया या पानी में दूध, नहीं मालूम चलेगा, लेकिन ये जरूर मालूम चलेगा कि एक लीटर था पहले दो लीटर हो गया, है ना। तो उसी तरह से अगर x का x में गुणा करेंगे तो ये नहीं मालूम चलेगा यहाँ पर कि कौन से x का किस में गुणा हुआ है, हाँ ये जरूर मालूम चलेगा कि यहाँ घात एक थी तो यहाँ दो हो गया है। समझने की कोशिश करिएगा, हम आपको बहुत व्यवहारिक और बहुत मजेदार एग्जांपल बताते हैं जिससे आप कभी भूले ना, क्योंकि आप जानते हैं ना हमारा मिशन होता है पढ़ाना नहीं सिखाना। जी बिल्कुल, सुना है ना आपने वो लाइनें, पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, जीरो से हीरो बनाते हैं। जी बिल्कुल, इसका गुणा हो गया ना ए का, अब x का गुणा b में करेंगे तो बीच में प्लस था तो ये प्लस हो जाएगा और b और x हो गया, बस यही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब इसमें चलेंगे तो भाई क्या होगा, इसमें देखेंगे पहले कोई जुगाड़ है, इसके पड़ोसी का कोई साथी है इसमें अंदर में, साथी मतलब ये x है ना, तो इसमें कोई x वाला पद है अंदर में, जी बिल्कुल है, पहले में देखिए इसका साथी है x है ना, बाकी कहीं नहीं है, तो दो का दो एक्स में गुणा होगा, जब एक्स में तो ये हो जाएगा दो एक्स की घात दो। अब आप लोग कहेंगे ये घात दो कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक पावर था, यहाँ पे एक पावर था, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, एक एक दो हो गया, और ये दो चुपके से यहाँ पे लिख दिया गया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि गुणांकों का गुणा होता है, यहाँ पर एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो वन है, और दो का एक में गुणा किया था ये दो आ गया, इतना क्लियर हो गया, बाकी इनसे अभी कोई मतलब नहीं है, आप मतलब इनसे करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, एक्स का गुणा करेंगे वाई में, मैंने आपको बताया जैसे अभी दूध तेल और पानी का होता नहीं कभी मिलन, तो भाई एक्स ये तेल है वाई क्या है पानी है मान लीजिए, तो ये दोनों अलग अलग ही बहते रहेंगे एक में नहीं मिलेंगे, समझ गए ना। उसी तरह से एक्स और जेड का करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक में ही नहीं कभी मिल पाएंगे, अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन अगर दूध और पानी को मिलाएंगे तो मिल जाएगा ना, मैं बार बार एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, वो कैसे, इस तरह से जैसे देखिए अगर x का गुणा 2x में करते हैं तो हम कभी इसको ऐसे नहीं लिखते हैं कि 2x into x लिख दें, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें x के बगल में 2x,
कभी नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो ये दो एक्स का घात दो हो जाता है। ये उत्तर हो गया। आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, कृपा करके आप लोग फोन कॉल ना करें पढ़ाई के टाइम पे, अन्यथा हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलें फिर हम लोग। देखिए अगला सवाल आपके सामने जो है उसको ध्यान दीजिएगा, मैं तुरंत आपको बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान है फिलहाल, होने दीजिए, जरूरी भी है थोड़ा सा, क्योंकि आज यहाँ पर सौरभ सर भी नहीं है, उनकी कुछ परीक्षा वगैरह है, कहीं गए हुए हैं फिलहाल। देखिए आगे, तो अब इसको कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल, बार बार बताता हूँ तो कुछ लोग को बुरा लगता है, थोड़ा आप चलते हैं मॉडर्न जमाने में। तो 3x का गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो कितना होगा, इसे सिंपल में आप यहाँ लिख लीजिए फैला करके, बिल्कुल 3x को हमने 3 गुणे x लिख दिया, कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना। x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणा x, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। अब तो पूरा इसका सब डिटेल दिख रहा है क्या कैसे होता है, अब तो आप कर ही सकते हैं। तीन को ऐसे तीन लिख लो भाई, एक घात ये, एक ये, एक ये, तीन घात है ना, तो तीन घात है तो जुड़ जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, मतलब कुल मिला करके हमारा 3x घात 3 आएगा, और बीच में धन का चिन्ह था तो धन हो गया, और 3x का गुणा जब 3 में हुआ तो ये हो गया 9x। बस कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सवाल जो दोनों नीचे है ना, ये मैंने खुद से दिया था, और ये आपके गणित में दिया गया है, अभ्यास एक कब भी कक्षा 7 NCERT मैथ में। ये सवाल नंबर था आपका चौथा, आपके बुक के अनुसार चौथा सवाल था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ आगे करेंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है मित्रों। अभी अभी एक बहुत बड़ी बात हो गई कि अचानक ये आपका जो कैमरा रिकॉर्डिंग और जो भी सारा सिस्टम है तामझाम सब गिर पड़ा था, लेकिन फिर भी देखिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना है कि एक बार अगर यमराज भी आते हैं तो पूछ के अंदर आते हैं जी। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कैमरे में कोई फर्क पड़ा, ना ही बोर्ड में, ना ही स्टैंड में, कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ा, जबकि इतना ऊपर से गिर पड़ा फर्श पे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें पूरे अंदर में, तो क्या फर्क पड़ेगा कैसे करेंगे। अगर हमें अंदर में तीन पार्ट में गुणा करना है ना, तो चाहे तो इसे हम कई लाइन में करें या एक लाइन में करें, तो चलिए पहले इसे कई लाइन में करते हैं। 2xy का गुणा पहले x में करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 2xy, ये जो भी है भाई घात सही, x में करेंगे तो मैंने x लिख दिया। अब इसका काम खत्म हो गया पहला का, मतलब x में गुणा इसका हो गया, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया, अब y का इनका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x2y और ये y, हो गया काम खत्म, x का और y का दोनों का गुणा इसमें हो गया, इतना लंबा कहानी हो गई। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, अब 2x2y का गुणा z में होगा तो ये हो जाएगा 2x2y into z, है ना। अब क्या होगा, बस उत्तर आएगा और क्या होगा। देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये जुड़ करके हो जाएगा 2x की पावर 2। कुछ लोगों के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे ये 2 पहले से था तो ये वैसे ही उतर गया। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो x का गुणांक है कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, और 1 का 2 में मल्टीपल होगा तो 2 हो जाएगा, इतनी कहानी खत्म। माइनस था माइनस लगा दो भाई, क्लियर। अब 2 का गुणा करेंगे किसमें, y के गुणांक में, गुणांक मतलब जो उसके आगे अंक होता है, जैसे अगर मैंने लिखा 7x, इसमें अगर बोलूं कि x का गुणांक क्या है तो 7 है, तो देखिए इसमें y के आगे कुछ है नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2 ही आ जाएगा वैसे। x की घात 2, इसमें भी कोई x है नहीं है तो ये x की घात 2 ही रहेगा, y यहां भी है, y यहां भी है, 1 घात 1 घात, तो क्या हो जाएगा, ये y घात 2 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा, इतना हो गया खत्म, बीच में प्लस था तो प्लस हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा कैसे, देखिए 2 का गुणा अगर जेड के गुणांक में होगा तो 2 ही आएगा, कोई मतलब नहीं क्योंकि जेड का गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 है। अब देखिए इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब जेड का जो है एक्स स्क्वायर वाई में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये चुपके से बगल बगल बैठ जाएंगे लेकिन इनका कोई मुलाकात नहीं होगा, मतलब पास पास हो जाएंगे, बस हो गया। अब आप समझ गए होंगे इसका उत्तर आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन वॉमन करेंगे ना तो फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर आपके दिल में बात आ रही हो तो मैं कॉमन लेके दिखा दूं, फिर से क्वेश्चन आ जाएगा कैसे। देखिए इसमें 2x स्क्वायर है ना, है ना,
लेकिन हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक घात, यहाँ दो घात, यहाँ तीन घात होगी, नहीं तो गड़बड़ हो रहा है। अब सही है, अब बिल्कुल आप कॉमन ले सकते हैं, दो एक्स की घात दो कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये बचेगा दो एक्स घात दो कॉमन ले लेंगे, एक्स बचेगा माइनस ये वाई स्क्वायर बचेगा, ना 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 वाई स्क्वायर तो नहीं बचेगा, देखिए इसमें वाई भी कॉमन होगा ना भाई, वाई भी तो कॉमन होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे बार बार कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो एक्स की घात दो है और ये किए थे हो जाएगा तीन, बाद में वाई था तो इसके साथ वाई भी तो रहेगा ना। अब देखिए सही हो गया सब कुछ, दो एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा एक्स माइनस इसमें बचेगा वाई, और फिर धन इसमें से दो एक्स की घात और ये वाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा जेड। देखिए आपका सवाल आ गया जो ऊपर था, है ना, ऐसे होता है मैथ में, क्वेश्चन से आंसर ले आओ और आंसर से क्वेश्चन ले आओ भाई। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो कर लीजिए, जल्दी से कर लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान दे, इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा, अवश्य शेयर करिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब 3x का गुणा करेंगे xy में, सिंपल सी बात है आपको समझ में आएगा, ये पूरी गारंटी है, 3x का गुणा जब करेंगे किसमें, xy में, ये हो गया 3x गुणे xy, बीच में प्लस है तो प्लस लग गया, 3x का गुणा हो गया किसमें, x घात 2y में। सब कुछ सही है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, 100% समझ में आएगा अगर आप इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे तो। देखिए 3 का गुणा करेंगे एक्स वाई के गुणांक में, एक्स वाई का कोई गुणांक नहीं है, एक है, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा एक में होगा 3 हो गया। अब बात आती है चार पद की, एक्स का गुणा कर लो भाई एक्स वाई में, तो एक्स का गुणा जब एक्स वाई में करेंगे बच्चों ना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और वाई। कुछ लोगों की कमेंट आ रहे थे कि सर आप भाई क्यों बोलते हैं, तो अब मैं आप लोगों को अगर बच्चों बोलूं तो कुछ लोग हमसे बहुत सीनियर भी हैं तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है, इस वजह से मैं भाई या बहन ही बोलता हूं, ठीक ना। तो आगे चलें, ये हो गया इतना, अब बीच में प्लस, 3 का गुणा करेंगे इसमें पूरे में तो क्या आएगा, देखिए 3 का इसमें जो है ये गुणांक इसमें कुछ है नहीं है, एक है, तो ये 3 ही हो जाएगा, एक्स घात यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, तो ये एक्स की घात कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, और एक वाई है तो वाई ऐसे अकेले हो जाएगा, बस हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए जल्दी से। किसी के दिल में कोई सवाल है, कुछ भी आपके मन में आ रहा है अच्छा बुरा तो बोल सकते हैं, नहीं संकोच, बस अरते हाँ गाली मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा अच्छा बुरा जो भी आ रहा है बोल दीजिए ना, तो इसलिए मैं एक पाबंदी लगा रहा हूं, हो गया ना। आगे चलें फिर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, चलें आगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला और छठवां सवाल आपके सामने, कक्षा सात की गणित का सातवां सवाल है, यानी कि छठा सवाल आपके सामने आ चुका है, ये आपके लिए एडवांस मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और आपके कार्य पर कोई शक करता है तो निसंकोच करने दीजिए, क्यों, क्योंकि शक सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं, तो बिल्कुल आप घबराना नहीं, बस लगे रहना। देखिए इसमें दो भाग है, दो भाग में हम लोग करेंगे पूरा खेला, जो भी होगा आपके सामने आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें गुणा का चिन्ह लगा है बीच में, ये एक दूसरे से कांटेक्ट हैं, ये एक दूसरे से कांटेक्ट हैं, बीच में है इसमें बॉर्डर, तो भाई जो भी प्रक्रिया होगी अलग अलग होगी, मान लेते हैं ये है यूपी ये है बिहार, अब मैं भारत और पाकिस्तान नहीं बोलने वाला, अपने यहां रहना है। देखिए अब इसका गुणा करेंगे एक में, तो 2x का गुणा 3x में करेंगे तो कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 का गुणा पहले 3 में कर लीजिए तो 6 हो गया, क्लियर, बिना कंफ्यूजन के आप कर लिए होंगे, 2 का गुणा 3 में हो गया। अब x का गुणा x में कर लो भाई, तो x का गुणा x में करना सभी लोग जानते हैं, है ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की घात एक एक घात ये हो जाएगा, एक्स की घात दो मतलब कि एक्स का स्क्वायर हो गया, तो इसके बगल में इसको भी लिख देंगे। अब इन दोनों का काम जो है हो गया पूरा, बीच में प्लस था तो ये प्लस को चुपके से यहां लिख देंगे बिल्कुल बिना शोरगुल किए, हो गया। अब क्या करेंगे, इतना तो हो गया, अब इस 2x का गुणा इस 5y में करेंगे, तो बीच में धन तो हमने लगा दिया,
अब अगर 2x का गुणा 5y में करना है तो इसके हम दूसरी जगह लिख के अगर कर लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 का गुणा पहले 5 में कर लीजिए, 10 हो गया। अब x का गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, कुल मिलाकर के कितना हो गया 10xy। क्लियर, समझ में आया ना? तो आप चुपके से लाके यहां पर 10xy लिख दीजिए। अब हमारा इधर का कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, बीच में माइनस है ना, ये चलते हैं बॉर्डर पे। देखिए मैंने बताया था यूपी है और बिहार है, अब यूपी का सारा प्रोग्राम हो गया, बिहार में चलते हैं। अब माइनस लगा दिया। अब 5y का गुणा 2x में करना है। मैंने आपको बताया यहां पे कोष्ठक लगा है, तो जो भी इससे करेंगे प्रक्रिया वो दोनों में होनी चाहिए सेम उसी तरह से। कैसे, जैसे अभी आपने देखा था यूपी में लेखपाल की भर्ती आई थी, जिसमें आपने देखा होगा कुछ कैटेगरी को सारी सीटें दे दी गई, कुछ कैटेगरी को जीरो दिया गया, जिसके लिए बहुत बड़ा बवाल हो गया और सारी वैकेंसी निरस्त हो गई। तो बस वैसे इसमें मत करना, नहीं तो ये भी सारा गड़बड़ हो जाएगा। बराबर रखना है सेम। कैसे, इससे गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो पहले 5y का गुणा करेंगे किसमें, 2x में। तो 5 का 2 में गुणा होगा 10 और y का x में गुणा होगा तो xy, और ये 10xy लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर 10yx लिख देंगे थोड़ा उल्टा लगेगा, जैसे अपना नाम आप पहले बताएं, पापा का नाम बाद में बताएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10xy। अब एक यक्ष प्रश्न ये आता है यहाँ पे कि माइनस यहाँ था ना, यहाँ माइनस था, यहाँ जो चिन्ह लगेगा वो माइनस नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, अब आप कहेंगे यहाँ माइनस है तो ये गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर कोष्ठक के अंदर माइनस का चिन्ह बाहर होता है और कोष्ठक ये खुलता है ना, तो अंदर का चिन्ह माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। हो गया। अब 5y का गुणा 3y में करना है, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, और y का गुणा y में वही जो आप लोग पहले करते आए बचपन से अभी तक, ये एक घात, ये एक घात, ये गुणा करने में घात जुड़ जाती है जब समान पद होता है, तो ये y की घात 2 हो जाएगा, यानी 15y घात 2। इतना बात समझ में आई? ये आपके कक्षा 7 की गणित का सारा मैटर था जो आपने देखा, लेकिन अभी इतने में ही सब कुछ बसर नहीं होने वाला है। अभी इसको हम और आगे भी बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो गुणा करने पे आया है, इन सब में कोई रिलेशन है आपस में? अगर कोई रिलेशन है तो इनका परिचय करवा दीजिए। रिलेशन मतलब सेम पद मिलने चाहिए, सजातीय पद जिन्हें बोलते हैं, है ना, लाइक एंड अनलाइक टर्म, यही तो होता है। तो देखिए यहाँ 6x की घात 2 है, क्या इसमें किसी की घात x में 2 है? नहीं है, यानी कि ये बेचारे अकेले हैं, इनको ऐसे लिख देंगे चुपके से, ये सिर लटका के इधर बैठ जाएंगे। हो गया। अब देखिए क्या इनका कोई साथी है प्लस या माइनस में, जो कि x भी हो y भी हो उसमें? जी बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन ये इनके कट्टर विरोधी हैं, कट्टर दुश्मन हैं इनके। क्यों? क्योंकि ये 10xy पॉजिटिव है, ये 10xy निगेटिव है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं तो लड़के मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बराबर बराबर ताकत है दोनों में, खत्म हो गए, इनका काम खत्म, एक माइनस एक प्लस। अब बच क्या रहा है, ये 15y बच रहा है, अब तो कुछ इसका बचा ही नहीं, जब कुछ रहा ही नहीं तो अब ये किससे लड़े झगड़ेगा? बस बस यही इतना उत्तर हो गया, है ना, कितना मजेदार सवाल, इतना बड़ा तो लग रहा था देखने में, लेकिन बहुत ही आसान है। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मान लिए होंगे मैथ आसान है। जी बिल्कुल मैथ आसान है। अगर कोई सवाल है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आज जब से पिछले 12 महीने से आपकी क्लास चल रही है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमारी कहानी सुनते रहिए, क्योंकि हमारी कहानी ऐसे होती है अगर आप सुनते हैं ना तो आपके बहुत काम की होती, कभी खत्म नहीं होती। जल्दी करें, कर लिए, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए फटाफट, और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से अनअकैडमी पर फॉलो करें और फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कर दें, जिससे कि आप ये सभी मजेदार क्लास फेसबुक पर भी देखते रहें। कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत जल्दी मिटा देते हैं, तो भाई यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है बाबू ना, तो उसमें जो लोग देखते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है, कहते हैं ये एक चीज लेके उसी में पकाते रहते हैं, तो बिल्कुल हम सोचते हैं आप पाकने न पाए, थोड़ा कच्चे बचे रहें। देखिए ये नंबर नोट कर लीजिए, इसकी व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करते रहिएगा। अगर आप रेगुलर हर दिन इसी तरह की क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की बटन को ऑन करें, जिसे लोग कहते हैं घंटी को बजा दो भाई, तो घंटी बजा दीजिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं इसकी स्पेशल क्लास, स्पेशल मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे क्या स्पेशल होता है, तो व्हाट्सएप नंबर की स्टेटस को चेक करिएगा और कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको मिलेगी स्पेशल क्लास और स्पेशल चीजें।
अगर आप ये क्लास मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से पीबीआर स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पीबीआर स्टडी पर देख रहे हैं तो मैथ आसान है को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हाँ, इतने से काम नहीं बनने वाला। एक इनके जो पड़ोसी साहब है ना, जिनका नाम है पीबीआर स्टडी ग्रुप, ये पीबीआर स्टडी ग्रुप अपने में ही कुछ खास है। ये दूसरा चैनल है जो कि मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपके फायदे के लिए। ये भी आपका अपना पीबीआर स्टडी का ही ऑफिशियल चैनल है, इसे भी सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं अगर आप इन सभी चैनल से जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। और हाँ, इतने में ही मत घबराना, अभी और आगे बहुत कुछ है। ये pbrstudy.com ये वेबसाइट भी नोट कर लीजिएगा, आप ही के काम की है। इस पे आप विजिट करेंगे, पीडीएफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, आर्टिकल, वीडियो, बहुत कुछ मिलेगा जो मैं यहाँ पे नहीं गिना सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को एक बार, दो बार, हजार बार और कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया। लेकिन ऐसे मत जाइएगा, इस वीडियो को लेके जाइएगा, कम से कम 5 मित्रों को व्हाट्सएप पे अवश्य शेयर करिएगा, यूट्यूब पे शेयर करिएगा, फेसबुक पे शेयर करिएगा, हर जगह शेयर करिएगा, जिससे कि आप लोगों की महान कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हम आपके सामने हर दिन आते रहें। तो फिर से एक बार धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें, देखते रहें, दिखाते रहें आपका अपना पीबीआर स्टडी। आप लोगों ने जो भी कमेंट्स में सवाल किए होंगे, हो सकता है उसका जवाब अभी आपको ना मिल पाए, तो थोड़ी देर में आपको जरूर मिल जाएगा। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल लाइव में हो सकता है अभी कुछ दिन प्रॉब्लम हो रही जो कि आपके लाइव कमेंट का जवाब नहीं मिल पाता है, तो बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। थैंक यू।